फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, दुनिया से क्या लेना मुझे, देहधारियों से क्या लेना मुझे, नहीं किसी से मेरा कोई रिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। प्रकाश में वतन भी मेरा है श्वेत प्रकाश में, मुखमंडल मेरा सदा ही हंसता, मुखमंडल मेरा सदा ही हंसता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। आसमां में उड़ता हूँ मैं, बादलों के बीच खुशियाँ बिखेरता मैं, कोहिनूर मस्तक में चमकता, कोहिनूर मस्तक में चमकता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। पिता का हूँ मैं प्यारा, मेरा है बस उस एक से रिश्ता, मेरा है बस उस एक से रिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। दुनिया से क्या लेना मुझे, देहधारियों से क्या लेना मुझे, नहीं किसी से मेरा कोई रिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, शांति। एक कवि ने एक छोटी सी कविता में एक घटना लिखी। वो लिखता है कि एक बार मैं किसी बगीचे में टहल रहा था तो देखा एक छोटी सी लड़की जो कि बड़ी कुरूप है, वहाँ रास्ते के किनारे बैठी हुई है और लोग आ रहे हैं और लोग जा रहे हैं पर किसी का उसकी तरफ ध्यान नहीं है, और वो बहुत गरीब मालूम पड़ती है और उसके कपड़े फटे हुए हैं और वो बड़ी कातर नज़र से सबको देख रही है परंतु किसी का उसकी तरफ ध्यान नहीं है। तो वो कभी सोचता है कि आज तो चला गया, मैं उससे बात करना चाहता था पर नहीं कर पाया, कल ज़रूर करूँगा। और
दूसरे दिन उसी बगीचे में पहुंचता है और उसी स्थान पर जाकर खड़ा होता है। सोचता है पता नहीं आज वो होगी कि नहीं होगी, पर थोड़ी देर के बाद उसको वो नजर आती है। वो वहीं बैठी हुई है सड़क के किनारे, सबको देख रही है। तो उसको लगता है मैं उसके पास जाऊं, और वो उसके पास जाता है और उसके पास जाकर बैठता है और उससे बातें करना चालू करता है। पहले वो बातें नहीं करती, फिर धीरे धीरे वो भी खुल के बातें करना चालू करती है। तो कवि लिखता है कि हम दिन भर बैठे और दिन भर दोनों बातें करते रहे, शाम हो गई और फिर मैंने उससे पूछा कि तुम इतनी दुखी क्यों थी और तुम्हारे घर में कौन है। और जब मैंने ये उससे पूछा, मैंने देखा कि उसकी जो पीठ है डिफॉर्म्ड है, कुबड़ निकला हुआ। तब मुझे पता चला तो, और मैंने उससे पूछा क्या इस विकृति के वजह से तुम दुखी हो। वो कहती हाँ। तो कहता कोई बात नहीं, पर मेरे लिए तो तुम एक छोटी सी एंजल हो। और वो अपनी बात को और आगे बढ़ाता है और कहता है केवल इतना ही नहीं, तुम मेरे लिए तो गार्डियन एंजल हो। गार्डियन एंजल होती है ना, जो रक्षा करती है। तो वो कहती हाँ मैं तुम्हारे लिए गार्डियन एंजल हूं। और एकदम से उसका रूप बदलता है और दो पंख आ जाते हैं और वो कहती है मैं एंजल ही हूं। मैं तो देखने आई थी यहां कि कौन मेरे तक पहुंचता है, कौन मेरे तक आता है, और यहां इतने लोग हैं, लोगों की रेल पेल, धन का अंबार, पर मेरे तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। मैं तो यहां बैठी ही थी कि कोई मेरे पास आए और मैं उसे कुछ दूं, कुछ वरदान, कोई गिफ्ट, कोई तोहफा, कोई सौगात, कोई उपहार, पर कोई आया ही नहीं। तुम ही हो जो आए, तुम ही हो जिसने मुझसे बात की। और वो अपने फरिश्ते रूप में प्रकट होती है और उसे कुछ देकर उड़ जाती है। कवि ने लिखा कि न मालूम दिन भर में ऐसे कितने लोग होंगे जो वास्तव में है फरिश्ते, पर हमें दिखाई नहीं देते, हमें पता ही नहीं चलता यही वो है। और जो आए हैं और जो अवतरित है, तो फरिश्ता एंजल। हर धर्म में फरिश्तों की चर्चा है, हिंदू धर्म छोड़कर। फरिश्ते की जगह हिंदू धर्म में क्या है? देवदूत। ईसाई धर्म फरिश्तों की अलग अलग कैटेगरी है। क्रिश्चियनिटी में आर्च एंजल, फिर वो दूसरा एंजल, एंजलोलॉजी, स्टडी ऑफ एंजल्स को एंजलोलॉजी कहते हैं। फरिश्तों का अभ्यास करना विषय है एक। एंजल कैसे होते हैं, एंजल क्या पहनते हैं, एंजल के अलग अलग काम है। हर एक एंजल की अपनी अपनी ड्यूटी है। माइकल की दूसरी, रैचल की दूसरी, ओनियल की दूसरी, गेब्राइल की दूसरी। हर एक एंजल का एक एक नाम है और एक एक ड्यूटीज दी हुई है हर धर्म में। क्रिश्चियनिटी में बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है एंजल्स का, ईसाई, उसी तरह यहूदी धर्म में भी एंजल्स का बहुत महत्व है, उसी तरह इस्लाम में एंजल्स को दिखाया हुआ है। पारसी ज़ोरास्ट्रियन में कहा हुआ है कि एक फरिश्ता हमेशा रहता है जो तुम्हारी रक्षा करता है, उसको कहा है प्रवेशी। प्रवेशी फरिश्ते का नाम है जो निरंतर तुम्हारी हिफाजत करता है। सिख में एंजल का वर्णन तो नहीं है, परंतु चित्तर एंड गुप्त ऐसे दो लोग हैं जो अकाउंट्स लिखते हैं। ऐसे दो लोग बताए हैं, उनको भी फरिश्ता माना है। मृत्यु यम, वो भी एक मृत्यु का फरिश्ता बताया गया है। बहाई फेथ में फरिश्तों का वर्णन है। न्यू रिलीजन, न्यू एज रिलीजन्स, न्यू एज रिलीजन्स में ब्रह्मा कुमारी आता है।
न्यू एज, ये जो कैटेगरी है इसको कहते हैं न्यू एज रिलीजन, एक नई कैटेगरी है। इसमें ढेर सारे धर्म है, इसोटोरिज्म, साइंटोलॉजी वगैरह वगैरह, उसमें एक ब्रह्मा कुमारी से उसमें दिखाए। हाँ, ब्रह्मा कुमारी वाले भी एंजल को मानते हैं, और वो लोग कहते हैं, कौन लोग? ब्रह्मा कुमारी कहते हैं एंजल अर्थात वो व्यक्ति जो संपन्न है, संपूर्ण है। तो हर धर्म ने फरिश्तों को माना है किसी ना किसी रूप से। हिंदू धर्म ने खाली देवदूतों को लाया है, और एंजल्स क्या करते हैं इस दूसरे धर्मों में? एंजल्स क्या होते हैं? एंजल्स मैसेंजर्स होते हैं, इंटरमीडिएटरी है। यहां तक कि अरस्तु जैसा व्यक्ति, एरिस्टोटल, जो कि इतना धार्मिक नहीं है, फिलोसोफर है वो, उसने कहा कि जरूर सेकेंडरी मूवर होंगे। यदि प्राइमरी मूवर है, मूवर अर्थात हिलाने वाला, चलाने वाला, इस संसार को चलाने वाले दो है, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। यदि प्राइमरी मूवर है, यदि परम है, तो सेकेंडरी मूवर भी होंगे ही। सेकेंडरी मूवर जब वो कहता है, इसका अर्थ है एंजल्स। ऐसे लोग जो ना भगवान है ना मनुष्य है, बीच में रहते हैं, और काम क्या करते हैं? ऊपर का संदेश नीचे लाते हैं, दीवार पर बैठे हुए। वो दीवार बताई थी ना, गांव वाली ये दीवार, यहां बैठते हैं वो लोग, उधर की खबर इधर वालों को देते हैं। जैसे किसी गांव में एक दीवार थी, और दीवार पर जो भी चढ़ता था और उधर का दृश्य देखता था, एकदम खुश हो जाता था और खुशी के मारे कूद जाता था उधर। अब इधर के लोगों को पता ही नहीं चलता था उसमें है क्या, क्योंकि जो भी देखता था वो कूद जाता था। आखिर उधर है क्या, दीवार इतनी ऊंची है, और जो भी कोशिश करता था, मैं पता करता हूं क्या है, क्यों लोग कूदते हैं उधर। और जो पता करने जाता था, जैसे वो देखता था वो भी कूद जाता था। तो लोग उस जमाने में रिकॉर्डर होता तो शायद वो भी कर देते, पर लोगों ने तरकीब सोची, जो गया इस बार पैर में रस्सी बांध ली, और जैसे ही वो गया और एकदम से खुश हुआ देखकर, गदगद अंदर, गदगद कल की मुरली, और जैसे ही देखा कूदने ही वाला था, तो लोगों ने खींच के उसको नीचे खींचा और वो नीचे गिरा। उसने कहा बताओ क्या देखा, उसकी आवाज ही चली गई, उसकी आवाज ही चली गई, वो क्या बोलेगा? ये जो दीवार है, इसको अध्यात्म में कहते हैं वॉल ऑफ रिलेटिव कॉन्शियसनेस। वो जो उधर है दीवार के, वो एब्सोल्यूट है, इधर जो है वो रिलेटिव है। वो जो उधर दिखाई दे रहा है वो परम तत्व है, ये जो है ये संसार है। अब कौन बताएगा? क्योंकि जो उसको जान लेता है वो इधर आता नहीं है। खबर कौन देगा मृत्यु के उस पार क्या है? खबर कौन देगा कि वो परमात्मा कैसा दिखता है? क्योंकि जिसने परमात्मा को देख लिया वो इधर आता ही नहीं है। इसलिए कुछ कुछ लोग फिर क्या करते हैं, दीवार पर ही बैठ जाते हैं, जैसे अभी दादी जान की बैठी हुई है ना उधर जाते हैं ना इधर, क्योंकि उधर की खबर इन लोगों को देने के लिए। ये जो लोग हैं यहां के सांसारिक जागतिक, इनको खबर नहीं है उधर क्या है, उधर कौन सा सुख है, उधर कैसा अतीन्द्रिय सुख है, वो तो इंद्रियों में डूबे हुए हैं। इधर कुछ आत्माएं इस दीवार पर बैठ जाती है, फिर वो बताती है कि हाँ उधर वैसा है, इधर ऐसा है, हमने वो देखा। फिर दादी कहती है हाँ मैंने आज कुछ ऐसा अनुभव किया जो आज तक कभी नहीं किया, पर बताती नहीं क्या किया, क्योंकि कैसे बताएगी, क्योंकि अनुभव शब्दातीत है, क्योंकि अनुभव भाषातीत है, स्वरातीत, स्वरों में नहीं लाया जा सकता उस अनुभव को। इसलिए पूछते हैं कि किसी को क्या अनुभव तो नहीं हुआ योग में, किसको हुआ वो तो बताओ, मुझे तो बहुत हुआ, पर क्या हुआ वो नहीं बताएंगे, कैसे बताएंगे, क्योंकि ये अनुभव बताए नहीं जाते। भावातीत है, शब्दातीत है, तो फरिश्ते कहां बैठते हैं? इस दीवार पर। इस दीवार पर बैठकर क्या करना है कमलेश भाई? उधर की खबर इन लोगों को देते रहनी है कि हमने उधर आज ये देखा, आज उधर ऐसा था, आज उधर वैसा था।
तो फरिश्ता है। फरिश्ते जितने धर्म है उसमें दिखाया, दे आर परफेक्टेड ह्यूमन बीइंग्स, परफेक्ट बीइंग्स है वो, उनमें संपूर्ण संपूर्ण ही रहते हैं वो, क्योंकि वो भगवान के भेजे हुए, वो मैसेंजर्स है, वो रसूल है, रसूल खुदा, वो नबी खुदा, वो नबी है, वो खुद वो रसूल जैसे है, उस कैटेगरी के, उसके भी ऊपर के मैसेंजर्स ऑफ गॉड को भी तो फरिश्तों ने, मोहम्मद पैगंबर को किसने दिया सारा, वो तो फरिश्ते ने बताया सब कुछ, कुरान कोई लिखी थोड़ी ना गई, वो नाजिल हुई है, प्रकट हुई है, प्रागट्य हुआ है उसका मैनिफेस्टेशन, तो वो किसने बताया, उस जिब्राइन ने बताया ना, तो फरिश्ते वो काम करते हैं। संडे की मुरली पार्टियों से मुलाकात, फरिश्तों की चार बातें बताई, पहली फरिश्ते अर्थात डबल लाइट, दूसरा फरिश्ते अर्थात रिश्ता, दुनिया कौन सी है उनकी, एक बाप वन फादर, तीसरा फरिश्ते अर्थात फरिश्ता अर्थात कोई रिश्ता नहीं किसी से, नो रिलेशनशिप्स किसी से भी रिलेशनशिप, और चौथा फरिश्ते अर्थात लिफ्ट में बैठ के आना, काम करना, काम पूरा हुआ बटन दबा के ऊपर देखते रहे बाकी ये कहां गया, काम पूरा हुआ और गया, अभी अभी आया, अभी अभी गया, अभी अभी यहां, अभी अभी गायब, फरिश्ता, फरिश्तों की चार बातें बताई, फरिश्ता अर्थात जो दो शरीरों में रहता है, दो शरीरों में आत्मा रहती है, उसमें जो सूक्ष्म शरीर में रहने वाली है वो है फरिश्ता, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर, इसके इसमें जो आत्मा, आत्मा और दो शरीर, तो जब स्थूल शरीर हट जाए और केवल सूक्ष्म शरीर रह जाए और आत्मा रह जाए, वो जो कॉम्बिनेशन है सोल एंड सटल बॉडी का, उसको कहा है फरिश्ता। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर अर्थात, सूक्ष्म शरीर अर्थात कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर अर्थात सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर अर्थात एंजेलिक बॉडी, सूक्ष्म शरीर अर्थात प्रकाशमय काया, सूक्ष्म शरीर अर्थात अंतवाहक शरीर, सूक्ष्म शरीर अर्थात संकल्पों का रचा हुआ शरीर, सूक्ष्म शरीर अर्थात वाइब्रेशंस का रचा हुआ शरीर, सूक्ष्म शरीर अर्थात लाइट का कार्ब, अदृश्य सूक्ष्म शरीर अर्थात, शास्त्रों में पांच प्रकार के शरीर और बताए, अन्नमय कोश, ज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारे सूक्ष्म शरीर के भाग हो सकते हैं। तो आत्मा और इधर आत्मा है और ये उसका सूक्ष्म शरीर, तो सूक्ष्म शरीर में आत्मा जब रहती है तो उसे फरिश्ता कहा जाता है। तो फरिश्ते कैसे होते हैं, पहली पॉइंट डबल लाइट, डबल लाइट अर्थात हल्के, हल्के अर्थात दो प्रकार से हल्के, डबल के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, एक तो वो हल्का अर्थात हल्का लाइट और दूसरा लाइट अर्थात प्रकाश, तो फरिश्ता अर्थात जो प्रकाश में ही है, फरिश्ता अर्थात जिसमें ज्ञान का प्रकाश भरा है, फरिश्ता अर्थात जो बहुत ही हल्के है। किसने हल्का कर दिया उनको मंजू बहन आज की मुरली से, किस ज्ञान ने, किस ज्ञान ने आत्मा ने अचल अडोल स्थैर्यम बना दिया, ड्रामा, वो हिलते नहीं, वो डुलते नहीं, वो अचल है, वो अडोल है, वो स्थैर्यम है, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान एक्यूरेटली समझा है, गुस्सा नहीं करेंगे, रंजी कोई दुखी नहीं होंगे, उदास नहीं होंगे, नाराज नहीं होंगे, प्रश्न क्या है उत्तर, सदा देवता हर्षित रहेंगे। तो फरिश्ता अर्थात डबल लाइट अर्थात वो प्रकाश और वो प्रकाश, इधर भी प्रकाश और इधर भी प्रकाश, हल्के रहेंगे अर्थात भारी नहीं, हल्के रहेंगे अर्थात बर्डन नहीं, हल्के रहेंगे अर्थात कोई बंधन नहीं, हल्के रहेंगे अर्थात कोई जेल में नहीं, फ्री, किस जेल से फ्री, दोनों प्रकार के जेल से फ्री, टू जेल्स, कल की मुरली में था, सभी पांच विकारों की रस्सी में बंधे हुए हैं, रस्सी में सभी बंधे हुए, फरिश्ता अर्थात जो मुक्त है,
फरिश्ता अर्थात जो स्वतंत्र है, फरिश्ता अर्थात जो आजाद है, फरिश्ता अर्थात जो लाइट है, जो हल्का है, कोई बंधन नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, यह फरिश्ता स्थिति। फरिश्ता किसी व्यक्ति का नहीं, फरिश्ता स्थिति का नाम है। सेंट ऑगस्टिन ने कहा है, एंजल इज नॉट द नेम ऑफ द पर्सन, इट इज द नेम ऑफ द ऑफिस, इट्स द ऑफिस वेयर एंजल स्टे। वो एक स्थान का नाम बताया उसने, ऐसा स्थान जहां सब स्थिर है, वो स्थान वास्तव में स्थिति है। तो फरिश्ता स्थिति का नाम है। फरिश्ता अर्थात प्रकाश में ही, अर्थात जहां प्रकाश है, आलोक है, उजियारा है, उजाला है, ज्ञान का अंधियारा नहीं है, सोजरा है। आज कहा यह अंधियारी दुनिया है, आज आज यह दुनिया कैसी है, दिस इज द सिटी ऑफ डार्कनेस। बाबा ने कहा यह दुनिया कैसी है, अंधियारी दुनिया है, अंधेर नगरी नगरी। और यहां राजा कैसा है, चौपट राजा, टके सेर भाजी और टके सेर हाजा। यह अंधेर नगरी है, अंधेरा है अंधेरा। तो ऐसे अंधेरे में प्रकाशमान रहना, अर्थात ज्ञान के प्रकाश से युक्त रहना, यह फरिश्ता स्थिति है। तो फरिश्ता अर्थात सबसे पहली बात डबल लाइट, दूसरा फरिश्ता अर्थात रिश्ते। किसके साथ रिश्ते हैं, दुनिया नहीं, उसकी दुनिया कौन सी है, सॉरी दुनिया, उसकी दुनिया एक बाप ही दुनिया है, और कोई दुनिया ही नहीं है उसकी, भगवान को ही दुनिया बनाती है वो, वैसे दुनिया भी है उसमें ही सब कुछ है, तो वही दुनिया हो गई ना, इतना विशाल है, इतना विराट है वो, कि उसी में दुनिया समाई हुई है। तो उसका उसकी दुनिया ही एक बाप है। और तीसरा, किसी भी देहधारी से कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई भी दैहिक आकर्षण नहीं, कोई भी दैहिक आकर्षण नहीं। कल की मुरली में बाबा ने कहा था तुम सब कौन हो, दुनिया के सारे लोग, क्रिमिनल्स, क्रिमिनल पता है ना, पहले क्राइम की डेफिनेशन पढ़ना जाकर, क्राइम किसको कहा जाता है और अपराधी किसको कहा जाता है। क्राइम की बहुत बड़ी डेफिनेशन है लॉ में, क्राइम किसको कहा जाता है, क्राइम करने वाले क्रिमिनल्स, अच्छे अच्छे सेंटर पर रहने वाले अच्छे अच्छे बच्चे भी क्या क्रिमिनलाइज होती है। भ्रम में रहते हैं हम अच्छे हैं, पर है क्रिमिनल आए। तो बाबा ऐसी दुनिया में आया है जहां क्रिमिनलिटी है, शैतानी है, विकार है, और इसलिए ऐसी दुनिया में रहते हुए फरिश्ता अर्थात किसी से कोई संबंध नहीं, कोई दैहिक संबंध नहीं। यह देह भान, यह देह अहंकार ही क्या है, सबसे बड़ा क्राइम है, ऐसा शायद ही आज तक किसी धर्म स्थापक ने कहा है। यह देहभान सबसे बड़ा क्राइम है। फरिश्ता अर्थात जिसका किसी से रिश्ता नहीं, जिसकी दुनिया ही बाप है, किसी से भी अटैच नहीं है, किसी से भी नहीं। यदि हम देखें अपने आप को सुबह से लेकर रात तक, हमारी सारी दुनिया ही अटैचमेंट की दुनिया है। घूमने के लिए कोई साथ चाहिए, बैठने के लिए साथ चाहिए, खाने के लिए साथ चाहिए, योग में कोई साथ रहे तो अच्छा योग लगता है, बाबा से सीधा कनेक्शन जुड़ता है, तुम खाली यहां बैठा करो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम यहां कहां हो, मैं इधर हूं बाबा के कमरे में, जल्दी आओ मैसेज, ताकि साथ साथ योग करेंगे। वो मराठी में कहावत है, सारोड़ी जिसको कहते हैं, चार लाइन, हिंदी में चौपाई, तू बुड़त असताना मी तुझ्याकडे धावलो,
तू बुडत असताना मी तुझ्याकडे धावलो मदतीला नव्हे सोबतीला, नाही तर मला तरी कुठे येत आहे पोहायला. तू जब डूब रहा था तब मैं तेरी तरफ भागा, मदत करने के लिए नहीं साथ देने के लिए, नहीं तो मुझे भी कहां तैरना आता है. तैरना तो मुझे भी नहीं आता है, भागा मैं तेरी तरफ किसके लिए, मदद के लिए. तो जिसको हम साथ कह रहे हैं वो वास्तव में साथ नहीं है, वो देवबान का ही कोई सूक्ष्म रूप है. बाबा ने कहा सबसे प्यार होना चाहिए रूहानी प्यार. रूहानी प्यार अर्थात पर डिटैच्ड, डिटैच, लगाव नहीं. कहीं पर भी लगाव हो गया तो वहां पे सब आसक्ति चालू होगी, वहां पे मोह होगा, वहां फैमिलियरिटी बढ़ेगी, वहां कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, फोन कॉल्स बढ़ेगा, डिजिटल कम्युनिकेशन बढ़ेंगे, वहां पे शेयरिंग बढ़ेगा. इधर से वो भेजेगा, उधर से वो भेजेगा, उधर से वो, उधर से वो, उधर से वो, उधर से वो, इधर से भेजना, उधर से भेजना. नहीं भेजा तो क्यों नहीं भेजा, नाराज तो नहीं हो, आर यू एंग्री, क्यों नाराज हो, मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई, तो वो उसको मनाएगा. पर इससे काम थोड़ी ना पूरा होता है, हमने पिछली बार मनाया था, अब तुम हमको मनाओ, हम भी नाराज होंगे. हमेशा हम ही मनाएं क्या? झगड़े करते रहते उससे, कहते हैं दोस्ती थोड़ी और पक्की होती है झगड़े से. लोग कहते हैं झगड़ा कर देंगे टूट जाएगा संबंध, पर उल्टा ही परिणाम हो जाता है, और ही पक्के हो जाते हैं. तो देहधारियों से आसक्ति, देहधारियों से मोह, देहधारियों से लगाव, देहधारियों से एक्सपेक्टेशंस, ये मेरे लिए ये करे, ये मेरे लिए वो करे. चाहे वो कर भी सकते हैं, अगर हमने उनको बता दे तो जान पर खेल देंगे हमारे लिए, फिर भी मत बताओ. वो खुश भी होंगे हमारे लिए कुछ करने के लिए, खुशी खुशी से करेंगे, फिर भी बताना नहीं, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन है. क्योंकि ये श्रीमत है, बाबा ने कहा किसी से कुछ भी मत मांगो, किसी से कुछ भी मांगना नहीं है. क्यों मांगना है किसी से? किसी से कुछ भी सेवा नहीं लो. हो सकता है बहुत ज्यादा कुछ भी हो जाए, पर फिर भी तो फरिश्ता अर्थात किसी से कोई संबंध नहीं. और चौथा फरिश्ता अर्थात अभी अभी आया और अभी अभी गायब. लिफ्ट को बस वहीं रखना, बंद भी मत करने बोलना, मैं आ रहा हूं बस. लिफ्ट चालू, वहां कोई लिफ्ट मैन होगा ना, उसको कहा खोल के ही रखो, मैं बस एक मिनट में आया. अभी अभी गए, सेवा की, काम किया और टाटा बाय बाय सायनारा. उसने भी कहने की भी आवश्यकता नहीं, निकल जाना, चुपचाप निकल जाना दुनिया से. तो अभी अभी आया और अभी भी गया, ये चार परिभाषा बताई फरिश्ते की. अब ये छोड़कर बाकी क्या क्या कहा है बाबा ने अब तक फरिश्तों के लिए? आशीष भाई, फरिश्ता अर्थात 100 बातें बताओ. चार तो मुरली की हो गई, 100 नहीं, 104 बताओ, 108 बनानी है. फरिश्ता अर्थात मैसेज देने वाले, फरिश्ता अर्थात संदेश वाहक, फरिश्ता अर्थात संदेश देना और वापस आ जाना, बस उतना ही काम करने वाले. वो पैगंबर है, पैगंबर है, मैसेंजर है, संदेश देते हैं बस, संदेश देना ही उनका काम है. और सभी धर्मों ने माना है कि फरिश्तों का काम क्या है, संदेश देना. तो फरिश्ता अर्थात संदेश वाहक, फरिश्ता अर्थात साक्षी, फरिश्ता अर्थात डिटैच होके देखने वाले सारे संसार को. कहीं पर भी लिप्त नहीं होते, कभी भी इंटरफियर नहीं करते, कोई ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, ये सब नहीं करते. फरिश्ता कभी भी दुखी नहीं होता, फरिश्ता सदा अंदर, क्या कहा था बाबा ने, गदगद. कल की मुरली में क्या था, अंदर क्या होना है तुमको, गदगद. कौन पढ़ाता है? तो फरिश्ता निरंतर, कभी भी दुख की लहर भी नहीं आती अंदर, क्योंकि वो डिटैच रहते इसलिए नहीं आती. अगर जरा भी अटैचमेंट हो गई, किसी से लगाव हो गया तो दुखी हो जाएंगे, क्योंकि जिससे अटैचमेंट हुई वो दुखी तो हम दुखी, वो बीमार
शरीर से, हम बीमार मन से. फरिश्ता अर्थात निर्मोही, फरिश्ता अर्थात, फरिश्ता अर्थात देने वाला दाता, फरिश्ता अर्थात नष्ट मोहा, फरिश्ता अर्थात सबसे रिश्ता एक से जोड़ने वाला, फरिश्ता अर्थात न्यारा और प्यारा, फरिश्ता अर्थात जिससे, जो किससे रिश्ता नहीं है, फर्श से, आज से नहीं. जो अर्श पर रहते हैं, फर्श पर नहीं, जिनके पैर इस जमीन पर नहीं पड़ते, जमीन अर्थात बुद्धि रूपी जमीन पर पांव नहीं रखते, देहभान रूपी कीचड़ में पांव नहीं रखते, वो हमेशा ऊपर रहते हैं, दुमंग उत्साह दिलाते हैं, कोई दुखी है कोई उदास है, फरिश्ता अर्थात मदद करते हैं. जैसे एक बार दो फरिश्ते आकाश में घूम रहे थे विचरण, मॉर्निंग राइड, उनको लगा चलो परीक्षा लेते हैं धरतीवासियों की, और वो थोड़ा सा साधारण रूप धारण करते हैं दो बच्चों का, लड़कों का, और धरती पर उतरते और एक घर में आते हैं. वो कहते हैं हमको सारे दिन भर घूमते घूमते हम थक गए, हमको रात के लिए रहने का थोड़ा स्थान दो. पर वो जो घर का मालिक है बड़ा ही कठोर है, वो कहता है नहीं नहीं जाओ यहां से, भागो यहां से, हमारे पास कोई जगह नहीं है. वो कहते इतना बड़ा घर तो है, थोड़ा सा तो दे दो. वो बहुत अनुनय विनय विनती करते हैं पर वो नहीं मानता. लास्ट में कहता ठीक है ओके, वो नीचे बेसमेंट है ना उसमें चले जाओ, और इतनी ठंड का मौसम है वहां तो और ज्यादा ठंड है, और बड़ी छोटी सी जगह है, और वो दो फरिश्ते अंदर चले जाते. तो वहां पर थोड़ी सी दीवार में एक गड्ढा होता है, टुकड़ा मतलब टूटी हुई दीवार, तो एक फरिश्ता जाता है उसको रिपेयर करने लगता है. दूसरे फरिश्ते को बड़े गुस्सा आता है, ये घर मालक ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे और तुम इसका घर ठीक कर रहे हो. पर वो कुछ नहीं बोलता है. दूसरे दिन धन्यवाद करके निकल जाते हैं, फिर घूमते घूमते हैं, फिर रात होती है, फिर एक दूसरे घर में आश्रय लेते हैं. यहां का मालिक बहुत अच्छा है, वो घर के सारे लोग अच्छे हैं, वो कहते हैं उसका स्वागत सत्कार करते अंदर आते. दोनों फरिश्ते रात में सोते तो वो जो फरिश्ता जिसने वो दीवार को कुछ रिपेयर किया था मरम्मत, अभी उठता है और वहां जो गाय होती है ना उसके ऊपर हाथ ऐसे ऐसे करता है और वो मर जाती है. तो दूसरे दिन उठते हैं तो आवाज हल्ला होता है, अरे गाय मर गई. और वो बिचारों की एक ही गाय थी उनके पास जिससे दूध आता था, सब कुछ आता था. तो ये फरिश्ता पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने देखा था तुमको, तुमने मारा उसको. और तुमने उसकी मदद कर दी. वो कहता है हम जो पहले घर में गए थे ना वो बड़े कंजूस लोग थे, खराब लोग थे, तो वो जो था ना वो बेसमेंट और वो जो गड्ढा था वो गड्ढे से दिखाई दे रहा था, उसके वहां पे खजाना था बहुत सारा. मैं नहीं चाहता था वो खजाना उनको मिले, इसके लिए वो दीवार को मरम्मत कर दी, क्योंकि गलत लोगों के हाथे खजाना नहीं आना चाहिए. और ये जो घर था, और इस घर में आज ये घर का जो मालिक है वो मरने वाला था, पर मैंने डेथ को ट्रांसफर कर दिया इधर से उधर. ऐसी बच्चों की कहानी है. तो फरिश्ते अर्थात मदद करते, पर मदद भी किसकी करते हैं, जो पात्र है, जो अच्छे हैं, ऐसे लोगों की मदद. तो फरिश्ता अर्थात मददगार. अगला फरिश्ता अर्थात कर्म करने वाले, दया करने वाले, रहम करने वाले, कर्म योगी, कर्म करते हुए डिटैच रहने वाले, शुभ भावना, शुभकामना, पूरा ज्ञान का जो परम लक्ष्य है वो है फरिश्ता बनना. फरिश्ता अर्थात वो स्थिति जिसमें देहभान नहीं, हर वो स्थिति जो देहभान से परे है फरिश्ता स्थिति है. फरिश्ता अर्थात निमित्त, फरिश्ता अर्थात कर्म बंधन से मुक्त, प्रभाव दबाव सबसे मुक्त. फरिश्ता अर्थात निश्चिंत, उनको कोई फिक्र नहीं है, बेफिक्र है वो. फरिश्ता अर्थात उदार चरितां तुम वासुदैव उदार चरितानं तुम वासुदैव कुटुंबकम, पूरा संसार ही उनका परिवार है. फरिश्ता अर्थात कोई इच्छा नहीं है उनकी, सांसारिक इच्छाएं नहीं है, इच्छाओं से परे है, इसलिए वो दूसरों की इच्छा पूरी कर सकते हैं. जिनकी अपनी कोई इच्छाएं बहुत सारी होती है वो दूसरों की इच्छा कहां से पूरी करेंगे. कर्म के फल से मुक्त, कर्म जिनको टच नहीं करता और कर्म का फल भी जिनको टच नहीं करता वो है फरिश्ता. फरिश्ता अर्थात कि उड़ने वाले फरिश्ते, फरिश्ता अर्थात जिनके पास पंख है
उमंग उत्साह के, ज्ञान योग के, याद और सेवा के, दूसरों को उड़ाने वाले फरिश्ता अर्थात सफल करने वाले फरिश्ता अर्थात विठल भाई। हाँ वो हो गया फरिश्ता अर्थात भाग्य बनाने वाले, दूसरों का भाग्य बनाने वाले फरिश्ता। अगर किसके घर में आ जाए तो फरिश्ता ही रहने लगे घर में आके, कमरे में फरिश्ता रहने लगे, सब कुछ अपने आप होते जाएंगे काम। जैसे भी दिखाया ना कहानियों में बच्चे होते कोई कोई, उनको कोई ऐसा देव पुरुष या कोई महापुरुष या कोई ही मैन या सुपरमैन मिल जाता है तो वो एकदम चेंज हो जाते हैं, उनका दोस्त ही कोई पावर्स आ जाती है, एक्स्ट्रा पावर्स आ जाती है उनके पास। तो फरिश्ता अर्थात सर्वशक्ति संपन्न, फरिश्ता अर्थात रास्ता दिखाने वाले, फरिश्ता अर्थात लाइट हाउस, फानूस बन के फानूस हिफाजत मेरी करने वाले, वो गीत है ना बन के फानूस ही, फानूस अर्थात लाइट हाउस, कंदिल, लैंटन, वो फानूस है, वो प्रकाश देने वाले हैं। फरिश्ता अर्थात एक से रिश्ता खुद का रखने वाले और दूसरों का भी जोड़ने वाले। कुमारी अर्थात ना खुद गिरने वाली ना दूसरों को गिराने वाली, वो जो संसार की कुमारी है खुद भी गिरती है दूसरों को भी गिराती है। अलौकिक कुमारी अर्थात उड़नी, उड़ने वाली और उड़ाने वाली। तो फरिश्ता अर्थात उड़ने वाले, उड़ाने वाले। दूसरा फरिश्ता अर्थात हाँ खुशियों में नाचने वाले, कितना बेहद का दिन रात नाचने वाले, नाचते नाचते परम धाम। दादी मनोरिंद्रा कहती थी तुम ढोल बजाते बजाते द्वापर से उतरे हो कलयुग तक। क्या किया तुमने, द्वापर से ढोल बजाते बजाते संगम युग तक आए हो, भक्ति करते करते मतलब। तो फरिश्ता अर्थात निरंतर निखिलेश भाई खुशी के ढोल बजाने वाले। तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए, बाप आया है गले में ढोल बजाकर, अगर देहभान नहीं है तो ढिंढोरा पीटो कि बाप आया है, बाप आया है। कुछ दिन था ना, कुछ दिन कुछ मास पहले मुरली में था, तुम्हें बाप का परिचय कैसा देना है, गले में ढोल डाल के, अगर देहभान नहीं है तो ढोल पीटो। फरिश्ता अर्थात निरंतर खुशियों में डोलने वाले, ढोल बजाने वाले, नाचने वाले, गाने वाले। जमीन को दोष नहीं ठहराना, ठोची नहीं ठहराना, ये जमीन ही ऐसी है, ये आंगन ही ठीक नहीं है, कैसा भी आंगन हो, परिस्थिति कैसी भी हो विपरीत, परंतु नाचने वाले। फरिश्ता अर्थात अच्छा अचल अडोल, फरिश्ता अर्थात स्थैर्यम, अचल अडोल स्थित प्रज्ञ। फरिश्ता अर्थात किसी भी परिस्थिति में हिलने डुलने वाले नहीं, दुखी होने वाले नहीं, निराश, उदास, निर्बल। फरिश्ता अर्थात बाप समान, एकदम सिक्सर लगा दिया आपने तो यहां डिस्कशन खत्म। फरिश्ता अर्थात बाप समान, फरिश्ता अर्थात लाइट के कार्ब में रहने वाले, फरिश्ता अर्थात अंतवाहक शरीर से यात्रा करने वाले, फरिश्ता अर्थात परिक्रमा करने वाले, विश्व की परिक्रमा करने वाले, फरिश्ता अर्थात भरने और लुटाने वाले, फरिश्ता अर्थात बादल भरे और गए, फरिश्ता अर्थात मधुबनवासी, फरिश्ता अर्थात दाता, दाता वरदाता विधाता, मास्टर विधाता, फरिश्ता अर्थात निर्भय, फरिश्ता किसी से डरते नहीं। आए वो घूमते रहते क्योंकि सेवा में है निरंतर। कल की मुरली में था सेवा करो तो क्या हो जाएगा, कल की मुरली साकार मुरली देवभान से मुक्त होने की विधि बताई सेवा। हाँ सर्विस करो तो देवभान से मुक्त हो जाएंगे, मुंबई में जाके सर्विस करो कल बोला ना। और फरिश्ता अर्थात निरंकारी, फरिश्ता अर्थात निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, फरिश्ता अर्थात निमित्त, फरिश्ता अर्थात ट्रस्टी, फरिश्ता अर्थात निर्माण, फरिश्ता अर्थात रूहानी गुलाब, फरिश्ता अर्थात खुशबू फैलाने वाले, फरिश्ता अर्थात देह में है पर है ही नहीं, फरिश्ता अर्थात इस दुनिया को देखते हुए भी न देखने वाले, फरिश्ता अर्थात रूप बसंत, फरिश्ता अर्थात शिवानी बहन, शिव की वाणी जिनकी है वो, फरिश्ता अर्थात जिनके बोल कैसे हैं, बहुत मीठे बोले, वरदानी बोले, सम्मान युक्त बोले, फरिश्ता अर्थात ज्ञानी, फरिश्ता अर्थात योगी, फरिश्ता अर्थात सेवाधारी, फरिश्ता अर्थात धारणा स्वरूप, फरिश्ता अर्थात त्याग तपस्वी, त्यागी तपस्वी और
सेवाधारी, फरिश्ता अर्थात बेहद के वैरागी, फरिश्ता अर्थात पवित्र, संपूर्ण पवित्र, पावन, फरिश्ता अर्थात सतोगुनी, फरिश्ता अर्थात सकाश देने वाले, फरिश्ता अर्थात सकाश देने वाले, बेहद के सेवाधारी, फरिश्ता अर्थात सब एक दो 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 बोलो तो और हो जाएंगे। माया अवकाश, माया का गला काटने वाले, माया जीत बनने वाले, फरिश्ता अर्थात कर्मेंद्रिय जीत, फरिश्ता अर्थात कर्मातीत, फरिश्ता अर्थात जगत जीत, फरिश्ता अर्थात निद्रा जीत, फरिश्ता अर्थात कौन सी दृष्टि, बेहद की दृष्टि, फरिश्ता अर्थात सिविलाइज, कल की मुरली में आ जाओ, फरिश्ता अर्थात सिविलाइज, फरिश्ता अर्थात इधर की बातें उधर नहीं, स्पिरिचुअल जर्नलिस्ट नहीं बनना नारद जैसा, इधर से उधर उधर की बातें, किसी की निंदा ना करो, कोई शैतानी अंदर ना हो, कोई विकार अंदर ना हो, देहभान अंदर ना हो, यहां की बातें वहां, झरमोई जगमोई, गॉसिप्स जलना नहीं, खाक और खलास कर देते दूसरे के चरित्र को, राख कर देते, सर्व शुद्धियों से युक्त, जो सूखी रोटी को भी क्या कर देते, नरम नरम बना देते, गुणग्राही है फरिश्ता, सिद्धि स्वरूप है फरिश्ता, सबका है, किसी एक का नहीं है, वो किसी एक के लिए आया ही नहीं है, किसी एक के लिए नहीं आया है वो, माई इंटरेस्ट आर नॉट इंडियन बट इंटरनेशनल, विवेकानंद ने कभी कहा है, मैं कोई भारत के लिए नहीं आया हूं, माई इंटरेस्ट आर नॉट इंडियन बट इंटरनेशनल, मैं सार्वभौम विश्व के लिए आया हूं, फरिश्ता अर्थात जागती जो जो कभी जो निरंतर देही अभिमानी स्थिति में अशरीरी है, जो विदेही है, साधन वैभव से परे, संसार को देखते हुए संसार उसके लिए है ही नहीं, यहां के आकर्षण में कभी प्रभावित नहीं होता, सर्व आकर्षणों से जो मुक्त है, तो ऐसी ढेर सारी परिभाषा है, पर केवल परिभाषा याद रख के कुछ नहीं होगा, उसका क्या करना है, प्रैक्टिकल में अनुभव करना है कि मैं वास्तव में फरिश्ता हूं, देखते हुए अनुभव करना है, एक लाइट यहां है और ये लाइट का शरीर है, तो लाइट ही लाइट देखने का अभ्यास करना, ऐसा एक अभ्यास हमने किया था ना बीच में कि सब कुछ लाइट देखना, ये सारी आत्माएं लाइट है, ये सारे शरीर लाइट है, ये भोजन लाइट का, ये थाली लाइट की, मेरा हाथ लाइट का, ये निवाला लाइट का, मेरा मुंह लाइट का, शरीर में जा रहा है जो कि लाइट का है, और जो मेरे अंदर समा रहा है लाइट बन रहा है और सारे विश्व में लाइट फैला रहा है, ये है भोजन का अभ्यास, पानी भी लाइट, ये दीवारें भी लाइट, ये तस्वीरें भी लाइट, ये मधुबन भी लाइट, ये ओम शांति भवन भी लाइट लाइट ऑफ नहीं होनी चाहिए पर लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट, लाइट की दुनिया में, फरिश्ता अर्थात फरिश्तों के संसार में रहने वाले इसी मुरली में है, फरिश्ता अर्थात फरिश्तों के संसार में रहते हैं, वो इस संसार में नहीं रहते, उनको ये संसार पसंद नहीं है, इस संसार उनको अच्छा नहीं लगता है, यहां का वो उस संसार में रहते हैं जो अव्यक्त है, फरिश्ता अर्थात अव्यक्त वतनवासी, सूक्ष्म वतनवासी, फरिश्ता अर्थात कंबाइंड, फरिश्ता अर्थात बाप के साथ रहने वाले, फरिश्ता अर्थात कंपेनियन ऑफ गॉड, फरिश्ता अर्थात एक मार्ग पर चलने वाले, उलझन के जंगल में न जाने वाले, भाग्य की जायदाद विरासत में जिनको मिली है, वाणी से परे मौन, फरिश्ते के उपराम होते हैं विदेही, तो ऐसी ढेर सारी भाषा है, परिभाषा है फरिश्तों की, सर रिश्तों से फ्री रहने वाले, अपने आप को कहीं पर भी उलझाया नहीं है, फारिग रखा है हर चीज से, फरिश्ता अर्थात जो याद को कभी फरामोश करने वाले नहीं है, कभी ना भूलने वाले, निरंतर याद, सतत याद, अविरल धारा याद की जहां बह रही है, ये तो एंडलेस है डिस्कशन, तो ये सब फरिश्तों की परिभाषा है, आज की मुरली से ऐसे पढ़ना कि फरिश्ते के लिए बाबा ने क्या कहा है, फरिश्ता क्या करता है, हर मुरली को इस तरह से पढ़ना, कोई एक पहले से सोच के रखना कर्मातीत, तो आज की मुरली में कर्मातीत बनने के लिए क्या क्या कहा है, सारी पॉइंट्स उस कर्मातीत से जोड़ते जाना, आज की मुरली में फरिश्ता के लिए क्या कहा है, सारी पॉइंट्स फरिश्ते से जोड़ते जाना, चाहे वरदान से, स्लोगन से, कहीं से भी उठाओ, फरिश्ता अर्थात मीठे, फरिश्ता अर्थात मीठे बच्चे, कहीं से भी जोड़ सकते, मीठे अर्थात कड़वाहट नहीं, अर्थात लून पानी नहीं, अर्थात झगड़ा नहीं, प्रश्नों से पार, प्रसन्न चित्त, विकार नहीं,
तो ऐसे बहुत सारे, एक पॉइंट लेना और उसी पे रुक जाना, उसी में सारी मुरली आ जाए, एक पॉइंट में सारी मुरली समाई हुई, एक शब्द में सारी मुरली है, आगे बढ़ना ही नहीं, उसी में चिंतन करते जाना, चिंतन करते जाना। तो एक दो तीन घंटा एक एक पेज को लगेगा एक मुरली भी पूरे 24 घंटे कम है, बहुत लंबा चल सकती है, इतनी पॉइंट्स है उसमें, एक एक मुरली में इतनी बातें हैं। एक जगन्नाथ का मंदिर ले लो कल की मुरली से, कितनी सारी बातें हैं उसमें। जगन्नाथ का मंदिर कहाँ है, जगन्नाथ का मंदिर कब बना, इस संसार की सबसे बड़ी रसोई जगन्नाथ मंदिर में है। 18 बार लूटा गया जगन्नाथ का मंदिर, सोमनाथ का मंदिर नहीं, जगन्नाथ के मंदिर की बात कर रहे हैं। जब औरंगजेब था उसने तो बंद करवा दिया था, जब वो मरा 1707 में तब वापस खुला। ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं उसके बारे में, रोचक बातें हैं जगन्नाथ के मंदिर, जिसको भगवान याद कर रहा है। 6 बार तो भोग लगाया जाता है वहां, एक तो सबसे सुबह सुबह, फिर 8 बजे, फिर दोपहर को, फिर 3 बजे, फिर 6 बजे, फिर रात को एक बार उनका ट्रैवल भोग मतलब भोजन और कौन कौन से भोग है। कल बाबा हमेशा याद करते हैं, यहाँ का भोग और श्रीनाथ का भोग, हमेशा कंपेरिजन आता है, यहाँ का वो, यहाँ का वो बोलता रहता है ना हमेशा, वहां का बहुत अच्छा है, यहाँ का ऐसा है तो चिंतन को बढ़ाते जाना है। ओम शांति।